हे गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल अबाउट हॉरर पे। आज के इस वीडियो में हम द प्रॉमिस नेवरलैंड सीजन 2 के एपिसोड 4 की कहानी जानेंगे। तो अगर आपने इसके पहले के कोई भी एपिसोड मिस कर दिए हैं तो कृपया उन्हें जाकर देख लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको कहानी को समझने में कोई दिक्कत ना हो। नाउ एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम एमा को एक कॉल रिसीव करते हुए देखते हैं। कॉल पर एक आदमी कहता है कि वो विलियम मिनर्वा बोल रहा है। मिनर्वा की आवाज़ सुनते ही एमा उससे पूछती है कि आप हैं कहाँ पे। यहाँ हमें पता चलता है कि ये कॉल रिकॉर्डेड था। खैर, कॉल पे मिनर्वा आगे बताते हैं कि मेरा असली नाम जेम्स रैत्री है, मैं फार्म के लिए ही काम करता था, पर एक दिन मेरे लिए ये सहना नामुमकिन हो गया कि बच्चों को कुर्बान किया जा रहा है 1000 साल पहले इंसान और डीमंस के बीच किए गए एक वादे के कारण, पर मैं उस वादे को तोड़ नहीं सकता। तो मैंने उम्मीद की कि जो बच्चे सच जान जाएंगे वो अपना भविष्य खुद चुनेंगे, इसलिए मैंने बुक्स में क्लूज भर दिए ताकि बच्चे उस शेल्टर तक पहुंच जाए जहां अभी तुम हो, और उनमें विलियम मिनर्वा नाम का एक काल्पनिक आदमी होने का नाटक किया। लेकिन फार्म्स को मेरे बारे में पता चल गया और वो मुझे गद्दार कहकर मेरी तलाश करने लगे। काश मैं तुम सबसे एक बार मिल पाता, तुम्हारी आवाज़ें सुन पाता। खैर, बधाई हो कि तुम यहाँ तक पहुँच गए, तुमने बहुत तकलीफ सही होगी। चाहो तो तुम हमेशा के लिए इस शेल्टर में रुक सकते हो, या अगर तुम इंसानों की दुनिया में जाना चाहते हो तो पेन में ये वर्ड टाइप करना, फ्यूचर। उस दुनिया के लोग तुम्हें कबूल कर लेंगे। इसके बाद कॉल ख़त्म हो जाती है और सही बच्चे डाइनिंग टेबल पर बैठ कर बातचीत करते हैं कि भले ही विलियम मिनर्वा से वो मिल नहीं पाए, पर फिर भी वो उनकी तरफ ही हैं। तभी रे कहता है कि हम अकेले हैं। इसी में एक बच्चा कहता है कि क्या हमसे पहले कोई वहाँ तक पहुँच पाया है। खैर, इसके बाद रे उस पेन को खोलता है और एक होलोग्राम इमेज शो होता है। इसका पासवर्ड एमा मिनर्वा के बताए अनुसार फ्यूचर फिल करती है और पासवर्ड बिल्कुल सही निकलता है। फिर एक मैप शो होता है जिसमें वेस्ट की तरफ एक जगह पर पॉइंट आउट होता है। इस लोकेशन से इन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो लोग अब तो इंसानों की दुनिया में पहुंच ही जाएंगे। तभी रे उन्हें अपना प्लान बताता है जिसके अनुसार सबसे पहले ये लोग इस शेल्टर में रहने का सारा इंतज़ाम कर लेंगे। फिर हाउस वापस लौटकर फिल और बाकियों के साथ दूसरे हाउस के बच्चों को भी बचाकर यहाँ ले आएंगे, और तब ये लोग साथ मिलकर इंसानों की दुनिया जाएंगे। पर तब तक इन्हें हार नहीं मानना है। इसके बाद सही बच्चे सोने चले जाते हैं। फिर अगले सीन में सुबह के वक्त एक बच्चा फ्राइंग पैन और चम्मच बजाकर सभी को उठाता है। उठने के बाद अन्ना अपनी डायरी में 22 जनवरी 2047 लिखती है। खैर, इसके बाद हम बच्चों को हर एक चीज़ का अच्छे से बंदोबस्त करते देखते हैं। वो लोग खाना इकट्ठा करते हैं, तीर कमान से निशाना लगाने की प्रैक्टिस करते हैं और पक्षियों का शिकार तक करते हैं। इनका दिन इसी तरह बीतता जा रहा था। फिर एक दिन एमा सही बच्चों को चेयर पर बैठा कर उनसे पूछती है कि किसी को कुछ कहना है। इस पर एक बच्चा कहता है कि उसे टेस्टी मीट खानी है। फिर एक एक करके सभी बच्चे अपने अपने डिमांड करने लगते हैं कि मुझे पैनकेक्स खाने हैं, मुझे पुडिंग और मुझे पाइनएप्पल। इस पर डॉन कहता है ये कुछ ज़्यादा हो गया। इसी में एमा कहती है कि मैं पुडिंग या पैनकेक तो नहीं ला सकती, पर किसी जानवर का शिकार जरूर करूँगी। इस पर कुछ बच्चे कहने लगते हैं कि वो भी एमा के साथ जाएंगे, और इस बात के लिए वो लोग एमा को मना भी लेते हैं। इसके बाद वो सभी जंगल में पहुंच जाते हैं, पर अफसोस आज उनकी किस्मत ही ख़राब थी, उनके हाथों एक भी जानवर नहीं आता है। पर डॉन कहता है फिर भी मैं कीड़े मकोड़े नहीं खाना चाहता। इस पर गिल्डा कहती है तो हम जंगली पौधे और नट्स का हेल्दी खाना खा सकते हैं। इसी दौरान वहाँ खड़े बच्चे एक दूसरे को हिम्मत देते हैं कि हमें हार नहीं माननी है। तभी एक बच्चे को वहाँ एक चिपचिपी मछली मिलती है। फिर मछली को पकड़ने के लिए बाकी बच्चे भी उसकी मदद करने लगते हैं। इसके बाद उन्हें रे से पता चलता है कि इस मछली का नाम गुई है, पर बच्चे कहते हैं नहीं, ये नाम हमने इसे दिया है क्योंकि ये चिपचिपा है। खैर, इसके बाद एक बच्चा कहता है कि मुझे लगता है ये टेस्टी होगा। उसकी बात मानकर सही बच्चे दोबारा से मछली को पकड़ने लग जाते हैं। काफ़ी मुश्किलों के बाद वो मछली को आखिरकार पकड़ ही लेते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर सेल्टा पर फोकस करता है, जहाँ फिश तो पक चुकी थी, पर सवाल ये था कि उसे टेस्ट कौन करेगा।
इसके लिए ये लोग एक गेम खेलकर फैसला करते हैं, जिसमें एक बच्चे का नाम आता है पर वो बच्चा उसे खाने के लिए इनकार करने लगता है और कहता है नहीं, अगर मैं खाया तो मैं पियानो नहीं बजाऊंगा। इसमें बाकी सभी बच्चे एक साथ कहते हैं ये नहीं चलेगा क्योंकि हमें तुम्हारा पियानो के दिन बहुत पसंद है। इस पर वो बच्चा कहता है ओके मैं बजाऊंगा पर प्लीज़ मेरे बदले कोई और टेस्ट कर लो। तभी दो बच्चे सामने आकर कहते हैं कि वो टेस्ट करेंगे, आखिर कुई का खोल भी तो हमने ही किया था। इसी में री भी कहता है कि वो भी टेस्ट करेगा। इसके बाद इन तीनों को एक एक फिश दे दी जाती है। तीनों फिश का एक एक बाइट लेते हैं और चुप हो जाते हैं और यहाँ बाकी बच्चे उनके जवाब का इंतज़ार कर रहे होते हैं। 10 मिनट बीत गए और कोई जवाब नहीं। फिर लगभग आधे घंटे बाद रे जवाब देता है नहीं कुछ नहीं हुआ। रे का जवाब सुनते ही सारे बच्चे फिश पर टूट पड़ते हैं। इसके बाद अगेन ये लोग रात के 8 बजे शेल्टर से बाहर निकलकर रेडियो के जरिए हाउस की जानकारी ले रहे थे। रेडियो से आवाज़ आती है शेड्यूल चेकिंग, ये है 435.84.5 से February 26, सब कुछ नॉर्मल है, अब मैं ट्रांसमिशन ख़त्म कर रही हूँ। इसके बाद बच्चे कहते हैं तो आज भी सब कुछ ठीक रहा, अच्छा है, कोई सिफ्ट नहीं हुई। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि ग्रैंडमा एक जेल जैसे जगह आई हुई थी और इसके बाद हमें पता चलता है कि उन्हीं जेल में से एक जेल में ग्रैंडमा ने इजाबेला यानी कि मॉम को बंद करके रखा है। ग्रैंडमा उससे मिलने आती है और उसे कहती है कि तुम जैसी काबिल औरत को खोना बहुत दुख की बात है पर तुमने बहुत बड़ी भूल की है जिसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। खैर मैं सारे बच्चों को सही सलामत लौटाकर उन्हें अपने असली प्लान के मुताबिक शिफ्ट करूंगी। इसके बाद वो इजाबेला से पूछती है कि क्या तुम उन्हें देखना चाहती हो, तो एक अच्छी खबर है तुम उन्हें जल्द देख पाओगी। इसके बाद ग्रैंडमा वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में शेल्टर का गार्डन दिखाया जाता है जहाँ बच्चे गार्डनिंग कर रहे थे। इसके बाद सही बच्चे सोने की तैयारी करने लगते हैं। इसी वक्त रे अम्मा से आकर कहता है कि फिल और बाकियों को बचाने के लिए हमें प्लान बनाना शुरू करना होगा। इस पर अम्मा कहती है यहाँ हर कोई तैयार है, हम इस शेल्टर को बेस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें रे कहता है सबसे पहले हम इस पेन की मदद से हाउस तक पहुँचेंगे, फिर हम जितने पास हो सके उतने पास से एक ठिकाना बनाएंगे। तभी अचानक शेल्टर पर कोई बॉम्ब से अटैक कर देता है और इस बात का अनुभव शेल्टर के अंदर मौजूद बच्चों को भी हो जाता है और इस अटैक के कारण शेल्टर के अंदर की लाइट्स भी चली जाती है। खैर अटैक करने वाले लोग अब शेल्टर के अंदर घुस चुके थे और बच्चों को चारों तरफ ढूंढ रहे थे। एंड यहाँ हम देख पाते हैं कि सही बच्चे एक सीक्रेट रूम में छुपे हुए थे जहाँ ये लोग बातें करते हैं कि हो ना हो इन लोगों को हाउस नहीं भेजा होगा, पर अब ये जगह भी उनके लिए सुरक्षित नहीं रही इसलिए यहाँ से निकलना होगा। तभी गिल्डा बच्चों को गिनती करने लगती है। इसे पता चलता है कि दो बच्चे यहाँ नहीं है, डॉन और रूसी जो कि मॉनिटर रूम में गार्ड की ड्यूटी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम मॉनिटर रूम में डॉन और रूसी को देख पाते हैं जो कि एक दूसरे को हौसला दे रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और जेल पर फोकस करता है जहाँ हम देख पाते कि एक डीमन इजाबेला का शुक्रिया कर रहा था। फिर वो डीमन कहता है कि तुम इस फार्म के लिए बहुत काम कर रही हो इसलिए तुम्हें कैसे ट्रीट किया जाए इस पर सबके अलग अलग विचार है इसलिए इसमें इतना टाइम लग रहा है। ये बोलते ही वो एक फूल की कली उठाता है और इजाबेला से पूछता है कि क्या तुम उन बच्चों को एक आखिरी बार देखना चाहोगी। इसके रिप्लाई में इजाबेला कहती है मैं इतनी बेशरम नहीं हूँ, ऊपर से मुझे पता है कि वो भाग जाएंगे क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं। फिर सीन वापस इस शेल्टर में फोकस करते हैं जहां वो अटैकर्स बच्चों को ढूंढने में लगे हुए थे और ढूंढते ढूंढते उन्हें मॉनिटर रूम में डॉन दिख भी जाता है, पर डॉन और रूसी मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं और वहां से भाग जाते हैं और बाकी बच्चों के पास सही सलामत पहुंच जाते हैं। और फिर वहां एक सीक्रेट एग्जिट से वो लोग बाहर जाने लगते हैं। एमा सबसे कहती है कि शांत और तेज रहो ताकि वो हमें ढूंढ ना पाए। इसके बाद वो लोग भाग कर उस जगह से निकलने लगते हैं पर बीच रास्ते में ही अटैकर्स उनके सामने आ जाते हैं जिनसे अम्मा कहती है कि हम बस बाकियों की तरह नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हैं। इस पर वो अटैकर कहता है कि तुम्हें जीने का हक नहीं, हार मान लो, हम यहाँ का रास्ता अच्छे से जानते हैं और हमें यहाँ के दो एंट्रीज भी पता है।
इस पर एक बच्चा पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। इसके जवाब में वो अटैकर बताता है कि शेल्टर्स आमतौर पर ऐसे ही होते हैं। उसके और कुछ बोलने से पहले ही एमा और रे उस पर अटैक कर देते हैं और वहाँ मौजूद एक बच्चा कहता है कि उसे बाहर निकलने का एक और रास्ता पता है क्योंकि ये इलाका उनके खेलने की जगह हुआ करती थी। हर बच्चे उस शेल्टर से बाहर निकल जाते हैं और वहाँ से जंगल की तरफ भाग कर जाने लगते हैं। फिर तभी अटैकर्स अचानक से वहाँ आ जाते हैं और सही बच्चों को पकड़ लेते हैं सिवाय एमा और रे के। इसी दौरान पीछे से एक बहुत बड़ा डीमन आ जाता है और अटैकर्स का ध्यान उस डीमन पर चला जाता है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ जेल में वो डीमन इजाबेला से पूछता है कि क्या तुम उन बच्चों को वापस ला पाओगी, फिर मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। इस पर इजाबेला राजी हो जाती है। फिर हमें डीमन का प्लान पता चलता है जिसके अनुसार अगर डीमन का प्लान फेल हो जाता है तो इसे आगे इजाबेला कंटिन्यू करेगी। अगर वो हर बच्चे को वापस लाने में कामयाब हो गई तब डीमन उसे छोड़ देंगे। डीमन इजाबेला के गले से वो नंबर मिटा देंगे और उसके दिल से वो डिवाइस भी निकाल देंगे। फिर इसके बाद इसे आज़ाद कर दिया जाएगा। इसके बाद वो डीमन इजाबेला को ऑफर देता है कि अगर तुम बच्चों को वापस ले आई तो हम तुम्हें आज़ादी देने के साथ साथ एक इनाम भी देंगे। अब वो इनाम क्या था वो तो हमें यहाँ नहीं बताया जाता, पर इजाबेला एक स्माइल के साथ उसका साथ देने के लिए मान जाती है और कहती है कि मुझे धोखा देकर भागे हुए बच्चों को मैं वापस ज़रूर ले आऊँगी। वहीं दूसरी तरफ हम जंगल में बच्चों को अपनी जान बचाकर भागते हुए देखते हैं और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। तो क्या लगता है गाइस, बच्चे अटैकर से बच भी पाएंगे या फिर नहीं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए तो आपको अगला एपिसोड देखना होगा जो कि जल्द ही अपलोड हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बताना और अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हम जल्द मिलेंगे एक और वीडियो में। सी यू गाइस।